कुछ में भी तोहफा जिलाता, क्या बात है, औरों की तरह कुछ में भी तोहफा जिलाता। ला ला ला, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। ला ला ला, जी ने कहा इन्हें क्या है फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए हर कली का दिल बहलाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आज। और मैं आज देखा इतना अच्छा माहौल उन्होंने बनाया, मैं तो चाहूँगा कि भाई जियो देवा, तुम जियो हजारों साल, हम भी तुम्हारे साथ हैं। असं काही नाही की बदलला, देवानी जो काय कार्यक्रम आज घडून आणला त्याचा स्तुत्य असं त्यांनी ह्या ठिकाणी कार्यक्रम घडून आणलेले। अभी क्या है, क्या आने वाला इलेक्शन में हमने देखा है कि हमारी बॉम्बे में ताकत बहुत कम है, राष्ट्रवादी की ताकत बहुत कम है। हम लोग तो पश्चिम महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग चाहते हैं, लेकिन अजय दादा साहब दादा बोलते हैं कि भाई ज्यावेळेस नवीन मुंबईचा पूल लागला तर तिथून आमची गळती चालू होती, तिकडे चांगलं आहे आमचं, अशा प्रकारे दादाचं देखील म्हणणं आहे। आता आपण आम्ही काय करतो, जे असंघटित लोक आहेत ज्याचं कुठं संघटन नाही, अशा लोकांना संघटित करण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल की जे लोक फिल्म लाईनमध्ये काम करतात, फिल्म लाईनमध्ये, तर आमच्याकडे देखील सांस्कृतिक मंडळ म्हणून एक विभाग आहे, परंतु जे लोक आता लाईटमध्ये काम करतात, जे लोक कॅमेराचे असिस्टंट लोक आहेत, जे लोक आर्ट डायरेक्टरमध्ये आहेत, जे लोक साऊंडमध्ये आहेत, जे लोक डॅन्समध्ये आहेत, अशा लोकांचं काय का होत नाही, परंतु ह्या माध्यमातून कमीत कमी आम्ही त्या कामगार लोकांचा 1-1 लाख रुपयाचा जीवन विमाचा गट विकास जो काही विमा आहे तो करायचा आमचा विचार आहे। आज काय होतं आहे की जेवढे असोसिएशन आहेत, मी ज्या फिल्म लाईनमध्ये काम करणारा माणूस आहे, मी देखील 7.5 वर्ष फिल्म लाईनमध्ये ॲज ए असिस्टंट साऊंड रेकॉर्डर्स म्हणून काम केलेलं आहे, आणि त्या माध्यमातून त्या टायमाला बऱ्याचशा टायमाला आमच्याकडून ॲफिडेविट घेतला की तुम्ही 5 जे काही फिल्म केले असतील त्याचं पूर्ण आम्हाला हे द्या, लेखाजोखा द्या, त्याचं नाव, तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे का, तुम्ही पर डेवर काम करता, हे सर्व झाल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी रूम देणार होते। पण आतापर्यंत कोणी काही कुठल्या प्रकारचं रूम वगैरे किंवा एखाद्या फिल्म लाईनवाल्याला भेटला असेल असं मला काही आठवण याच्यामध्ये नाही, परंतु आज आमचा फिल्म लाईनमध्ये काम करणारा माणूस महिन्यातून कधी 2 दिवस भेटतात, कधी 10 दिवस भेटतात, कधी कधी काहीच भेटत नाही। जशी मनरेगा आहे, मनरेगामध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अशा प्रकारची योजना ह्या लोकांसाठी लावायचा मी प्रयत्न करणार। का, मी स्वतः पाहिलं आहे फिल्म लाईनमध्ये काय काय होते, काय काय नाही, बिचारा ज्या टायमाला त्याची शूटिंग असतो तो फार मजेमध्ये असतो, ज्या टायमाला तो शूटिंग नसेल तो बिचारा फार दयनीय परिस्थितीमध्ये असतो, हे मी स्वतः डोळ्याने पाहिलं। म्हणून आणि येणाऱ्या काळामध्ये देवाने देखील चांगलं काम करावं, आज नबाबाई मलिक बरोबर भेट झाली आणि त्यांना कुठला शब्द कानमंत्र दिला ते मला माहीत नाही, परंतु देवा हा माझ्याबरोबर राहणार आहे, मी त्यांच्याबरोबर राहणार आहे, आणि पूर्ण मुंबईमध्ये आम्ही चांगल्या प्रकारची ताकद ह्या ठिकाणी निर्माण करून येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये चांगल्या प्रकारचा रिपोर्ट, चांगल्या प्रकारचं चालना करण्याचा आमचा प्रयत्न। बिलकुल, मैं देवा नाना को अपनी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ उनके जन्मदिन की। मेरा नाम ईशा अरोरा है, मैं प्रोफेशन से एक सिंगर और प्रोड्यूसर हूँ। So I wish you a very happy birthday. God bless you with lots of happiness, success and health. नया साल भी है और नए साल के इस पावन पर्व पे, यानी नए साल को हमने बहुत कुछ 2020 में झेला है और नए 2021 की शुभकामनाओं के साथ में नए वर्ष में इनका जन्मदिन हुआ। ईश्वर से हमारी ये मनोकामना है कि हमारे देश में ये जो कोरोना की जो बला है, जो वबा है, उसको ईश्वर इस नए साल के माध्यम से और हमारे देवन भाई जो है आर्यन और हमारे देवा भाई, इनके जन्मदिन के मौके पे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बीमारी को अल्लाह इससे दूर कर दे, ईश्वर इसको दूर कर दे, और हमारे जो किसान भाई कहीं लड़ रहे हैं, परेशान हैं, ईश्वर उनको भी सारी बीमारी से महफूज रखे, और हमारे देवन भाई की उम्र में अल्लाह इजाफा दे और उनको हम सबकी दुआएं और उम्र लग जाए ताकि वो ऐसी सेवा सारे लोगों की करते हैं, बहुत लोगों की वो सेवा करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही उनकी जीवन की जो जर्नी है वो चलती रहे, लोगों के साथ मिलते रहते हैं, बहुत लोगों की सेवा करते रहते हैं। करना कि देवेन जी तो वो किसी एक
मुबारकबाद के मोहताज नहीं है, वो खुद एक लोक नेता है और उनका परिचय मेरे साथ पिछले 8 या 9 सालों से है और वो सामाजिक सेवाओं के साथ उनका मेरा मुलाकात हुई थी। हमारी शेख फाउंडेशन की टीम पूरी आपके पीछे खड़ी है मेरे, और जब हमने काम शुरू किया था सामाजिक स्तर पर तो अंधेरी वेश कपासवाड़ी में उनका साथ हमें बहुत अच्छा मिला, और लॉकडाउन के दरमियान जो उन्होंने काम किया वो कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वाकई में उन्होंने लोगों के बीच में रहकर जो सही तरीके से समाज सेवा है, जैसे वो हमारे पक्ष के साथ भी जुड़े, तो हमारे सर्वस्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का कहना है कि 80% हमें समाज सेवा करना है, 20% राजनीति। तो जो 80% समाज सेवा करना है देवेन भाई उसमें एकदम खरे उतरे हैं, तो आने वाले दिनों में उनकी उज्जवल। आज से नहीं, आज 15 साल पहले से जानता हूँ, जब ये मेरे सर थे और मैं इनका स्टूडेंट था तब से मैं जानता हूँ, और इनको तो हर साल मेरे को विश करना ही रहता है हमेशा, और हमारा फैमिली रिलेशन है इनके साथ, तो इसलिए मैं तो इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं कल रात को ही दे दिया था। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो जन्मदिन की शुभकामनाएं में इनको ढेर सारी शुभकामनाएं लोगों से भी मिले और लोगों का सपोर्ट भी मिले। माँ देवाना जी आप जियो हजारों साल, ये दुआ है कि अजय टॉकीज दादा साहेब फाल्के आइकॉन एवर्ड फिल्म और कल्याण जी फाउंडेशन की तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से, DPIF की पूरी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन, और आप जियो हजारों साल। हमारे बीच में गाना पे गाना एकदम रौनक आ गया अशोक में सर। मैं हमेशा कहता हूँ कि संगीत को तबीयत का लल कहते हैं, हम फूलों पे नहीं कांटों पे गजल कहते हैं, और उनकी निगाह में होगा सिर्फ एक ताजमहल, हम तो हर झोपड़े को ताजमहल कहते हैं। और संगीतकार हैं, गायक हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो चाहे किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, हमें तो गाना है जी। पहले तो मैं आप सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ, और हमारे महाराष्ट्र के असंगठित कामगार के महाराष्ट्र अध्यक्ष राव साहेब दारकुंडे, मुश्ताक भाई, इम्तियाज भाई, मयूर भाई दाबुलकर, मेरे सारे शेख फाउंडेशन के मित्रगण और आप मीडिया टीम, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस जन्मदिन पे आप सब लोग आए। और जैसा आपने अभी सवाल किया कि जितने ये जो नॉर्थ वेस्ट की जो हमारी जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तो ये जो मेलावा जो हमने छोटा सा एक मेरे बर्थडे के निमित्त में सब लोग का ऐसा एक था कि भाई अन्ना आपका बर्थडे है तो हम एक छोटा सा एक साजरा करेंगे बर्थडे को, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं अपने संगठित के, तो मैं बोला ठीक है क्यों नहीं एक छोटा सा फंक्शन रखेंगे अपन लोग करके। और 1 तारीख को हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष के बर्थडे, तो बोले उनका बर्थडे और आपका बर्थडे साथ में मिलाएंगे करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने जो जनसंख्या देखी है आपने, ये यहाँ के हमारे पवार साहब का कार्यकर्ता है, हम सब उनके कार्यकर्ता है, पवार साहब के मार्गदर्शन में साहब के आशीर्वाद से हमने ये छोटा सा एक गेट टुगेदर पार्टी रखा है हमने, जहाँ पर हमने एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें सब लोग सब पार्टी कार्यकर्ता को एक जगह मिल के साहब के गाइडेंस में, जैसे साहब ने मार्गदर्शन दिया हमको कि हम आगे वाली चुनाव में क्या क्या काम करेंगे, और इस हमारे वर्सोवा विधानसभा में हम और कितना अच्छा क्षेत्र में काम प्रदान करेंगे, जहाँ पर हमारे इम्तियाज भाई है, महबूब भाई है, मुश्ताक भाई है, इन सब का हम साथ लेके साहब के मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे। और बस यही मैं आप लोग सब लोग का शुक्रगुजार हूँ। पक्ष की जो ताकत बढ़ाने के जो मेरे साहब ने मेरे को जो उद्देश्य और लक्ष्य दिया है, बस इसी तरह से मैं हर महीने दर महीने छोटा से छोटा अपना एक परिश्रम करूँगा और पार्टी की ताकत बढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी, बस यही मेरी तमन्ना है। बेसिकली एज अ लाइफ पार्टनर सबसे पहले बता दूँ, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान है, और मैं इनको 6 साल से जानती हूँ, 5 साल हमारी शादी को हो गए हैं, एंड जो भी आपको ये सामने करते हुए दिखते हैं बेसिकली दैट्स व्हाट ही इज़। वो एज अ पर्सन भी हमेशा हर किसी को हेल्प करने, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनके पास कोई मदद मांग के आया, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, इट्स जस्ट इमोशनली हो या किसी भी तरीके से, ही हैज़ डन एवरीथिंग जो इनके बस में हो सका, इन्होंने हमेशा हेल्प करने के लिए किया है। एंड एज फार एज वो जो कार्य करते हैं, आई फील लाइक ये पार्टी के थ्रू काम करते हैं, एंड वॉट एवर एज अ पॉलिटिशियन इफ ही थिंक्स अबाउट समथिंग कि हमें कुछ करना है, तो एज अ वाइफ ही हैज़ ऑलवेज इन्वॉल्व मी इन हिज डिसीजंस। लाइक वो कभी भी कुछ सोचते हैं तो वो घर पे आके बताते हैं कि मेरे दिमाग में ये है, आई वांट टू डू दिस, एंड आई एम लाइक अ जनरल पब्लिक, सो ही इज़ अ पॉलिटिशियन एंड आई जस्ट कम एंड टेल हिम कि मैं एज अ जनरल पब्लिक बताती हूँ कि
पब्लिक की क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब आप कुछ कर रहे हो, तो हम लोग क्या चाहते हैं। बेसिकली वी वर्क एज अ टीम, वी यू नो ब्रेनस्टॉर्म, और हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। एंड आई एम रियली यू नो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि जो भी है, ये जो भी करते हैं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ लेकिन फिर भी इन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व रखा है, मुझे अपना एक पार्ट ऑफ टीम, एक कोर बना के रखा हुआ है, जो बहुत सारे लोगों में नहीं दिखने में देखने मिलता है ये चीज़। बट ही हैज़ ऑलवेज बीन बाय माय साइड एंड ही हैज़ ऑलवेज केप्ट मी बाय हिज साइड। तो यही है। देवा भाई हमारे मेरे से छोटे, बट मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार उनको इनके जन्मदिन की अवसर पर। और बधाई के अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो एक पीपल्स मैन है, जैसे लोगों में रहते हैं वो साथ में, तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं उनसे। तो शायद से ऐसे शायद बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन मैं फ्यूचर नेता, अच्छा वाला नेता इनमें देखता हूँ। और बैकबोन तो हमेशा बैकबोन होती है, तो हमेशा सपोर्ट तो ज़िंदगी भर रहेगा। वो अलग पॉलिटिक्स के अलावा भी एक अलग प्यार है हमारा दोनों के बीच में, वो अलग रैपो चलते रहता है हमारा, बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग हमारा है और हमेशा रहेगा। और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।